हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है HAP फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के जो इम्पॉर्टेंट MCQs है एग्ज़ाम के लिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जो है सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। और इस वीडियो के अंदर जो भी MCQs डिस्कस होंगे उसकी PDF जो है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ट्रेड है जो सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा शेयर नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सर्कुलेशन, सेकेंड ऑप्शन इज डाइजेशन, थर्ड ऑप्शन इज ग्रोथ एंड फोर्थ ऑप्शन इज फोटोसिंथेसिस। सो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। ऐसा ट्रेट जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है उनकी लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस है। बाकी सर्कुलेशन जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, डाइजेशन भी सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ग्रोथ जो है वो भी सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, बट फोटोसिंथेसिस जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड एंड ऑल्सो हाउसेज द बॉडीज डिजीज फाइटिंग सेल्स। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जो फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड ऑल्सो इसके अंदर जो डिजीज फाइटिंग सेल होते हैं हमारी बॉडी के, वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, थर्ड ऑप्शन इज लिम्फैटिक सिस्टम एंड फोर्थ ऑप्शन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। सो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। लिम्फैटिक सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करने में एंड डिजीज फाइटिंग सेल्स जो हैं वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द ग्लैंड्स दैट सिक्रेट हॉर्मोन्स। सो, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज मस्कुलर सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन इज लिम्फैटिक सिस्टम, थर्ड ऑप्शन इज नर्वस सिस्टम एंड फोर्थ ऑप्शन इज एंडोक्राइन सिस्टम। सो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ही वो सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हॉर्मोन्स को सिक्रेट करने के लिए, इसी के अंदर जो है सारे के सारे ग्लैंड्स वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनाटमी इज़ अ टर्म विच मीन्स द स्टडी ऑफ। तो एनाटमी टर्म का मतलब किसकी स्टडी होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज फिजियोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन इज मॉर्फोलॉजी, थर्ड ऑप्शन इज सेल फंक्शंस एंड फोर्थ ऑप्शन इज ह्यूमन फंक्शंस। सो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। एनाटमी टर्म का मतलब होता है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टडी डीलिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एन ऑर्गन वर्क्स इज नोन एज। सो, स्टडी जो कि डील करती है कि किस तरीके से एक ऑर्गन काम करता है तो उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एनाटमी, सेकेंड ऑप्शन इज साइटोलॉजी, थर्ड ऑप्शन इज टेलियोलॉजी एंड फोर्थ ऑप्शन इज फिजियोलॉजी। सो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। फिजियोलॉजी टर्म का ये मतलब होता है कि एक ऑर्गन किस तरीके से काम करता है उसे एक्सप्लेन करना जो है वो फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज लोअर बैक। तो गिवन में से कौन सी टर्म ऐसी है जिसका मतलब सेम होता है लोअर बैक। फर्स्ट ऑप्शन इज पेल्विक, सेकेंड ऑप्शन इज लंबर, थर्ड ऑप्शन इज इंग्विनल एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्लूटियल। सो, इसका जो करेक्ट आंसर वो सेकेंड ऑप्शन है। लंबर जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है लोअर बैक, सेम इसका भी मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्ट्रक्चर विद इन द सेल प्रोड्यूसेस ATP। सो, सेल के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड ऑप्शन इज न्यूक्लियस, थर्ड ऑप्शन इज पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया वो स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जो ATP को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो, गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका कॉम्पोनेंट नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कोलेस्ट्रॉल, सेकेंड ऑप्शन इज प्रोटीन्स, थर्ड ऑप्शन इज माइक्रोफिलामेंट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज फॉस्फोलिपिड्स। सो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है।
माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स ये तीनों ही सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्ट फॉर वन द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सेल्स विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल। सो गिवन ऑप्शन के अंदर एक को छोड़ करके बाकी सारे जो हैं वो टाइप्स ऑफ सेल हैं, तो हमें ये बताना कि कौन सा जो है वो सेल का टाइप नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज ल्यूकोसाइट्स, सेकेंड ऑप्शन इज मैक्रोफेजेस, थर्ड ऑप्शन इज प्लेटिलेट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑस्टियोब्लास्ट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। प्लेटिलेट्स जो है ये कोई सेल के टाइप नहीं होते हैं, ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाकी तीनों जो है ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड ऑस्टियोब्लास्ट्स ये तीनों ही सेल के टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय द सेल। तो कौन सा फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जिसमें एनर्जी को एक्सपेंड करना पड़ता है सेल के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सेकेंड ऑप्शन इज ऑस्मोसिस, थर्ड ऑप्शन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिफ्यूजन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सेल जो है उसको एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स कंपोज्ड ऑफ। तो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स जो हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये किसके कंपोज्ड होते हैं, मतलब ये किसके बने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड ऑप्शन इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड ऑप्शन इज मस्क्यूलर टिश्यू एंड फोर्थ ऑप्शन इज एपिथेलियल टिश्यू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स जो हैं ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू को कंपोज करते हैं, तो ये इनके बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मिलने वाला सेल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज एडिपोसाइट्स, सेकेंड ऑप्शन इज कॉन्ड्रोब्लास्ट, थर्ड ऑप्शन इज कैरेटिनोसाइट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑस्टियोब्लास्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। एडिपोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट ये तीनों ही सेल्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मिलते हैं, बट जो कैरेटिनोसाइट्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What tissue has cells that are closely packed and that have one surface attached to a basement membrane and the other free to space? तो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि क्लोजली पैक्ड होता है एंड उसका एक सरफेस जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है एंड दूसरा जो है वो स्पेस में फ्री होता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड ऑप्शन है मस्क्यूलर टिश्यू, थर्ड ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ ऑप्शन है नर्वस टिश्यू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू होगा। एपिथेलियल टिश्यू ही वो टिश्यू है जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड इसका जो एक सरफेस होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है एंड दूसरा सरफेस जो है वो स्पेस में फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड राइबोसोम्स एग्जांपल ऑफ। तो लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड राइबोसोम्स किसके एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेम सेल्स, सेकेंड ऑप्शन इज ऑर्गेनल्स विद इन अ सेल, थर्ड ऑप्शन इज सेंसरी रिसेप्टर्स इन द डर्मिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड राइबोसोम्स जो हैं ये ऑर्गेनल्स होते हैं एक सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द टिश्यू बिलो दैट इज नॉट वन ऑफ द फोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यूज। सो गिवन ऑप्शन में से कौन से ऐसा टिश्यू है जो कि फोर जो प्राइमरी टाइप के बॉडी टिश्यूज होते हैं वो उनके अंदर नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड ऑप्शन इज मस्क्यूलर टिश्यू, थर्ड ऑप्शन इज नर्वस टिश्यू एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑसियस टिश्यू। सो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा, दैट इज ऑसियस टिश्यू। ये जो है ये फोर जो मेन टाइप्स के टिश्यूज होते हैं उसके अंदर नहीं आता। फोर मेन टाइप के टिश्यूज जो होते हैं वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का पर्पस क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज टू स्टोर द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, मतलब न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन को स्टोर करने का काम होता है। सेकेंड ऑप्शन इज टू प्रोड्यूस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को प्रोड्यूस करने का काम होता है। थर्ड ऑप्शन इज टू सपोर्ट एंड शेप द सेल, मतलब सेल को सपोर्ट करना एंड उसकी शेप को प्रोवाइड करना। फोर्थ ऑप्शन इज दे प्रोड्यूस एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि वह एंजाइम प्रोड्यूस करता है मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए।
सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का पर्पस होता है कि इसका काम होता है एटीपी प्रोड्यूस करना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल कंटेन्स मॉलिक्यूल्स दैट हैव अ हाइड्रोफोबिक एंड एंड अ हाइड्रोफिलिक एंड, व्हाट आर दे कॉल्ड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल की, उसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड होता है। तो उन वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉस्फोलिपिड्स, सेकेंड ऑप्शन इज कोलेस्ट्रॉल, थर्ड ऑप्शन इज इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड होता है, वो फॉस्फोलिपिड्स ही होते हैं, इसके दो एंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिपोसाइट्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ टिश्यू। सो एडिपोसाइट्स जो हैं वो कौन से टाइप के टिश्यू के अंदर मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज मस्कुलर टिश्यू, सेकेंड ऑप्शन इज एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड ऑप्शन इज नर्वस टिश्यू एंड फोर्थ ऑप्शन इज कनेक्टिव टिश्यू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा, एडिपोसाइट्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स डिनोट्स एन इमेच्योर सेल। सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा सेल टाइप जो है वो इमेच्योर सेल को डिनोट करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज मैक्रोफेजेस, सेकेंड ऑप्शन इज मोनोसाइट्स, थर्ड ऑप्शन इज ऑस्टियोब्लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज राइबोसोम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट ये डिनोट करते हैं इमेच्योर सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑर्गेनल्स विद इन द सेल। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन इज गॉल्जी अपैरेटस एंड फोर्थ ऑप्शन इज डेस्मोसोम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन होगा, दैट इज डेस्मोसोम। जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर डेस्मोसोम नहीं आता, क्योंकि डेस्मोसोम जो होता है ये लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसका ही एक्सटेंशन होता है, तो ये जो है वो विद इन द सेल नहीं आता है। सो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लड, सेकेंड ऑप्शन इज मेसोथेलियम, थर्ड ऑप्शन इज फैट एंड फोर्थ ऑप्शन इज टेंडन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा, मेसोथेलियम जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बाकी इसके अलावा ब्लड, फैट एंड टेंडन ये तीनों ही कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्स दैट आर फाउंड इन टेंडन्स आर कॉल्ड। सो सेल्स जो कि टेंडन के अंदर मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑस्टियोसाइट्स, सेकेंड ऑप्शन इज एडिपोसाइट्स, थर्ड ऑप्शन इज हीमोसाइटोब्लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज फाइब्रोब्लास्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है, फाइब्रोब्लास्ट ही वो सेल्स होते हैं जो टेंडन के अंदर मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन कैन मेंटेन अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन द इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, व्हाट इज दिस चार्ज डिफरेंस कॉल्ड। सो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक डिफरेंस मेंटेन करती है इलेक्ट्रिकल चार्ज में बिटवीन जो इंटीरियर होता है सेल का एंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, तो इस चार्ज डिफरेंस को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्साइटेबिलिटी, सेकेंड ऑप्शन इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, थर्ड ऑप्शन इज द एक्शन पोटेंशियल एंड फोर्थ ऑप्शन इज द सोडियम पोटेशियम पंप। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा, सेल मेम्ब्रेन जो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिफरेंस मेंटेन करती है इंटीरियर जो होता है सेल का वहाँ पे और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में, उसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। सो यहाँ पर आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।